सब्सक्राइब करें साइंस विद वीएस चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिलते रहें साइंस और मैथ्स के सुपर वीडियोस। चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है। x square plus 3 root under 3x minus 30 is equal to 0। सर सीबीएसई 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान सकते हैं इसको और अच्छा क्वेश्चन है सर, आसान क्वेश्चन भी है। देखिए फर्स्ट टर्म हमारा क्या 1x square minus 30x square, लास्ट टर्म है minus 30 है सिर्फ, दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो minus 30x square आएगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते थे सर, तो मल्टीप्लाई किए तो minus 30x square आया। अब इसके हमको दो ऐसे फैक्टर्स लिखने हैं जिनका मल्टीप्लाई तो माइनस 30x स्क्वायर हो, साथ ही साथ जिनका सब्सट्रैक्शन या फिर एडिशन ये मिडल टर्म हो, 3√3x हो, ठीक है। और यहां पे सब्सट्रैक्शन की बात करेंगे सर, एडिशन की गुंजाइश यहां नहीं होगी। क्यों नहीं होगी सर? क्योंकि यहां माइनस का साइन लगा हुआ है, बताया है सर मैंने आपको इंट्रो वाली वीडियो में। अगर आपको अपना ये वाला जो चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसको रिवाइज करना है, रिवीजन चाहिए उसकी, तो हमारे पास डिस्क्रिप्शन में लिंक है सर। मैंने 21 मिनट में 20 मिनट में पूरा चैप्टर जो भी आपके सिलेबस में है क्लास 10 में समझाया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, अब जाके रिवाइज कर सकते हैं। अब देखिए इसको फैक्टराइज करते हैं सर, इसका एलसीएम लेते हैं। तो सर क्या क्या फैक्टर्स है इसके? 2 × 5 × 3, 5 × 3 = 15, 15 × 2 = 30, हुआ ना सर, यही फैक्टर्स है हमारे पास। अब चाहिए क्या सर हमको? रूट थ्री चाहिए सर, 3 है ना सर, तो 3 को हम क्या लिख सकते हैं? √3 × √3 लिख सकते हैं। तो √3 आया ना, आया कि नहीं? अब हमारे 30 के फैक्टर्स क्या हो गए? हो गए 2 × 5 × √3 × √3 हो गया, ठीक है। हाँ, अब सर धीरे धीरे अप्रोच कर रहे हैं, अब इसके पास हमको जाना है, 3√3 के पास जाना है। तो सर 5 × √3 क्या होता है सर? 5√3, 2 × √3 √3। अब देखिए, अब आप बोलिएगा, फटाक से बोल रहे होंगे सर, आप लोग को दिख गया होगा अभी तक तो, क्या सर कि 5√3 − 2√3 क्या बचेगा सर? 3√3 तो बचेगा ना, बिल्कुल बचेगा सर। और यहां प्लस वाला साइन है इसीलिए जो बड़ा है उसके पास प्लस वाला साइन लगेगा। देखिए सर 5x − 2x 3x ही तो होता है, x मान लीजिए ना √3 को, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो अब तो आ रहा होगा, आप इसको पुट कर दीजिए। क्या होगा सर कि x स्क्वायर प्लस 5√3x − 2√3x − 30 = 0। सर 5 में 2 गया, 3 ही तो बचा, हुआ कि नहीं? बिल्कुल हुआ सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसमें x है, इसमें भी x है, तो x को हम लोगों ने कॉमन निकाल लिया, यहां 2x था तो 1x बचा प्लस 5√3, x नहीं होगा क्योंकि x हम लोगों ने कॉमन ले लिया, माइनस। अब हम लोगों को यहां माइनस कॉमन लेना होगा क्योंकि यहां प्लस है तो यहां पे भी प्लस करना होगा, वैसा नहीं है, वैसे ब्रैकेट बंद करेंगे तो माइनस तो ऑलरेडी कॉमन आ ही जाएगा हमारा क्योंकि बाहर में माइनस है। अब देखिए और क्या कॉमन लेंगे? माइनस तो कॉमन ले लिए, मान लिए सर माइनस कॉमन लिए, लेकिन 2√3, इसमें 2√3 है क्या 30 में? बिल्कुल है सर, 2 भी है, रूट 3 भी है, ये भी तो ओवरऑल 30 का ही फैक्टर है, बिल्कुल है सर। अब देखिए 30 में हमारा रूट 3 भी है और 2 भी है, अब इसमें भी वो है, इसमें भी वो है, तो 2√3 को हम लोगों ने कॉमन ले लिया, अंदर बचा x प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस हम लोगों ने कॉमन रख लिया है। अब 30 में से 2√3 कॉमन लिए तो क्या बचा? 5√3 बचा, तो 5√3 हम लोगों ने सिंपली यहां रख दिया। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत है तो बता दीजिए, नहीं है ना? नहीं होगा सर, होना भी नहीं चाहिए। अब देखिए अब क्या है, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म हमारा सेम हो चुका है तो ये बाहर आ जाएगा x प्लस 5√3, ठीक है। हाँ, अब बचा क्या? ये और ये हमारा गायब हो चुका है, बचा ये और ये वाला, तो इंटू में आएगा x माइनस 2√3 = 0, भैया हमारा चल रहा है। अब देखिए सर, जब भी दो टर्म्स इनटू में होते हैं और उस वो इक्वेट होते हैं जीरो से, तो मैंने आपको बताया था क्या होता है सर, या तो ये टर्म जीरो होगा या तो ये टर्म जीरो होगा, तभी ये पॉसिबल है कंडीशन की दोनों टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन जीरो हो जाए, ठीक है। तो आइदर और वाला कंडीशन लगा दीजिए फटाक से, आइदर एक्स प्लस 5√3 = 0 और एक्स माइनस 2√3 = 0, समझ में आया? बिल्कुल आ रहा होगा। अब ये प्लस में इधर के माइनस में x इज इक्वल टू माइनस 5√3 और ये इधर माइनस में रहेगा प्लस में x इज इक्वल टू 2√3, ये आ गए आपके दो रूट्स ऑफ दिस वेरी इक्वेशन। सर यही था आपका क्वेश्चन नंबर 30। चलिए बढ़ते हैं आगे।